नमस्कार दोस्तों, इंडियन हॉन्टेड स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। अब तक आपने देखा कि निधि गायब हो जाती है। राजन माया के घर निधि के बारे में पूछने जाता है। वापस आता है तो देखता है कि निधि तो घर पर ही है और राजन की माँ सीढ़ियों के पास घिरी हुई है। राजन सपने में देखता है कि माँ का कोई गला दबाकर मार रहा है। वह हॉस्पिटल फोन करता है, वहां से अच्छी खबर आती है। इसके बाद देखता है कि कोई परछाई बैठी हुई चूहा खा रही थी। राजन ने अंदाजा लगाया कि यह कोई और नहीं उसकी ही पत्नी निधि है। वापस आकर देखता है तो निधि अपनी जगह पर ही सो रही थी। राजन सब देखकर हैरान हो गया था और वह डर भी गया था। वह जाकर दूसरे कमरे में कुर्सी पर बैठ जाता है। उसकी आंख लग जाती है। सुबह हो चुकी होती है। फिर हॉस्पिटल से फोन आता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। माँ की बॉडी को लेकर वह राजन और निधि दोनों मिलकर अंतिम संस्कार कर देते हैं, क्योंकि उनका और कोई खास परिवार वाला नहीं था। और राजन परेशान हो जाता है कि जो उसके साथ है वह निधि है कि नहीं। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को आप एंड तक जरूर सुने। राजन काफी परेशान था कि जो उसके साथ है वह उसकी निधि पत्नी है या उसका कोई भ्रम है। राजन ऑफिस से घर वापस आ चुका था। राजन आज काफी परेशान था। वह माँ को हो चुका था। राजन को याद आ रहा था कि वह जब से इस घर में आया है एक दिन भी सुकून की नींद उसे नहीं मिली और अजीब अजीब सी चीजें उसके साथ होती है। राजन को याद आया कि यह घर दिलवाने में जिसकी मदद उसने ली थी उसका नंबर भी राजन के पास था। राजन मन ही मन सोचने लगा कि उस व्यक्ति से बात करी जाए। राजन ने हरमिंदर सिंह को फोन लगाया। हेलो, मैं राजन बोल रहा हूँ, क्या मैं हरविंदर जी से बात कर सकता हूँ? दूसरी तरफ से आवाज आई। जी कहिए, मैं हरविंदर बोल रहा हूँ। हरविंदर जी, मुझे आपसे पूछना था, जो आपने मुझे घर दिलाया है उसके बारे में जरा पूछताछ करनी थी। हरविंदर जी कहते हैं, मैंने तो कई फ्लैट्स दिलाए हैं, आप बताइए मैंने आपको किधर फ्लैट्स दिलाया था। राजन बोलता है, हरविंदर जी कांगड़ा के नूरपुर मोहल्ले में। नूरपुर का नाम सुनते ही हरविंदर सिंह चुप हो गए थोड़ी देर के लिए और फिर बोले, जी हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? राजन कहता है, हरविंदर जी जब से मैं यहाँ आया हूँ एक दिन भी मैं सुकून की नींद नहीं सो पाया हूँ। यहाँ कुछ ना कुछ अजीब होता ही रहता है। क्या आपने इस घर के बारे में मुझसे कुछ छुपाया है? हरविंदर कहता है, नहीं नहीं सर, मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। जो भी बातें थी मैंने आपको बताया है। बस एक बात है जो आपको नहीं पता थी, वह आपके घर के बारे में नहीं है बल्कि उस मोहल्ले के बारे में। राजन बोलता है, मोहल्ले के बारे में? ऐसा क्या है नूरपुर मोहल्ले के बारे में, बताइए मुझे। हरविंदर कहते हैं, राजन जी मैंने ऐसा सुना है पर मैं आपको यह गारंटी नहीं दे सकता जो मैंने सुना है वह सही है कि नहीं। बस मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि उस मोहल्ले के बारे में ऐसा सुनने में आया था कि अचानक से कोई 17-16 साल की लड़की वहां से मोहल्ले से ही गायब हो गई थी। अचानक से वहां कई नौजवान गायब हो चुके हैं। जहां तक मेरा मानना है तो मुझे लगता है कि वह अफवाह है, क्योंकि वहां पर और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। पर आप इतने परेशान क्यों हो राजन जी? राजन बोलता है, जो लड़की गायब हुई थी क्या उसका नाम आप जानते हैं? हरविंदर जी कहते हैं, नहीं नहीं सर, अफवाहों के बारे में कौन पता करता है। राजन बोलता है, ठीक है आपका धन्यवाद, और राजन ने फोन काट दिया था। राजन को कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई। राजन मन ही मन में सोचने लगा, कौन सी 16-17 साल की लड़की गायब हुई थी? यहाँ तो अजीब अजीब हरकतें, ऐसा लगता है मिसेज माया कर रही है या यह सब कुछ मिसेज माया ही कर रही है। और वह जो 16-17 साल की लड़की की गायब होने की खबर थी वह महज अफवाह है। ठंड काफी ज्यादा थी, फिर भी राजन का मन बाहर टहलने का हुआ। उसे अब अपने घर में अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लगता था कि वो जैसे कोई उसे बांधना चाहता है। राजन बाहर टहल ही रहा था कि अचानक से वह मिसेज माया से टकरा गया। राजन डर गया और पीछे हटने लगा। माया बोलती है, क्या हुआ राजन जी, इतनी रात को आप यहाँ?
टहल रहे हैं? मैंने आपको पहले भी मना किया था कि आप रात को बाहर ना निकले। यहाँ पर रात को बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। राजन बोलता है, कोई खतरा है या आप ही खतरा हैं मिसेस माया? राजन मन ही मन सोचने लगा। राजन के मन में आया कि वह कह दे, पर उसने सोचा कि सीधे कहना खतरे को बढ़ावा देना होता है। राजन काफी परेशान दिख रहा था। माया ने राजन से पूछा, क्या हुआ राजन जी, आप काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। राजन ने अनमने मन से कहा, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। माया बोलती है, निधि निधि जी कैसी है? राजन कहता है, वह भी ठीक है और आप हम लोगों से दूर रहिए। माया को यह बात बहुत अजीब लगी, पर माया ने कुछ नहीं कहा। इधर राजन मन ही मन सोचने लगा कि पता नहीं माया अब क्या करेगी, उसका अगला कदम क्या होगा। राजन मुड़कर जा ही रहा था कि माया ने राजन की गर्दन पर एक घाव देखा। देखने में यह घाव माया को बहुत ही अजीब लगा, इसीलिए माया ने आगे बढ़कर पूछा, राजन जी बुरा ना मानिए, तो आपसे एक बात पूछनी थी, आपकी गर्दन पे जो घाव है वह कैसा है? राजन बोलता है, जी बिल्कुल ठीक है, दवाइयां ले रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। माया ने टोकते हुए कहा, नहीं मिस्टर राजन, आपका यह घाव मामूली घाव नहीं है और यह किसी भी दवा से ठीक नहीं होगा। आपको मैंने पहले ही अवगत कराया था कि रात को बाहर ना निकले, रात को अपने घर का दरवाजा ना खोले, पर शायद आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया। मैंने आपको देवी माँ दुर्गा की मूर्ति भी दी थी, पर आपने वह भी उठाकर फेंक दी। राजन हैरान होकर माया को देखने लगा। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थी। उसने कहा, मैंने कहा माता जी की मूर्ति को फेंका है? माया जी आप ही आई थी पहली बार, जो आपने मूर्ति दी थी उसके लिए आपने कहा था कि आपसे गलती हो गई, आपने मुझे गलत मूर्ति दे दी है। दूसरी मूर्ति आप लेकर आई और मुझे कहा कि मैं पहली मूर्ति को फेंक दूं। पहली मूर्ति सही नहीं है और मेरे लिए खतरा साबित हो सकती है। राजन की बात सुनकर माया बहुत हैरान थी और उसने अंदाजा लगा लिया था कि यह उसी पिशाचनी शक्ति का साया था जिसे राजन नहीं पहचान सका, और राजन जी ने उसके बहकावे में आकर वह मूर्ति फेंक दी। माया ने राजन का हाथ पकड़ा और उसे अपने घर की ओर खींच कर लेकर चली गई। राजन विरोध करना चाह रहा था, पर पूरी तरीके से विरोध नहीं कर पा रहा था और हैरान हो गया था कि क्यों माया जी उसे खींच कर अपने घर ले जाना चाहती थी। माया जी के घर के अंदर पहुंचते ही मानो राजन की दृष्टि माया की ओर लेकर बदल गई। माया के पूरे घर में हल्की रोशनी थी, भगवान की मूर्तियां, तस्वीरें थी, कई किताबें थी जिनमें ऐसी पिशाचनी शक्तियों के बारे में लिखा हुआ था। राजन अतप्रभव होकर राजन के मुंह से निकला, आपका घर बेहद खूबसूरत है माया जी, और मेरी समझ यह नहीं आ रहा है कि आप करती क्या है। अच्छा है माया जी, काली शक्तियों का ज्ञान रखती हैं आप, मेरे साथ जो यह हो रहा है यह आप ही की देन है। माया हैरान होकर राजन को देखने लगती है, मेरी देन है? आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर राजन? राजन कहता है, कैसे बताऊं माया जी, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है, आप मेरे इतने करीब आई थी। और माया बोलती है, और राजन बोलता है, आपने अपने होंठ छुए, मुझे तो शर्म आ रही है यह सब बताते हुए भी, हम दोनों शादीशुदा हैं, पर आप सिर्फ अपनी काली शक्तियों के लिए इस तरीके की हरकत करेंगी, यह आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी। माया बोलती है, राजन जी मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे मुझे शर्म आनी चाहिए, और मैं काली शक्तियों का प्रयोग नहीं करती। यदि इस प्रकार की कोई शक्ति होती भी मेरे पास, तो वह मैं मानव के भलाई के लिए करती, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। राजन जी मैं भूत प्रेतों के विषय में पढ़ती हूँ और उन्हीं पर मैं रिसर्च करती हूँ, जो भी अलौकिक शक्तियाँ होती हैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ, इसीलिए उनके विषय में अक्सर ज्ञान प्राप्त करती रहती हूँ। कांगड़ा आना भी मेरे और मेरे पति के रिसर्च का ही एक हिस्सा था। मेरे पति को भानगढ़ के लिए ऑफर मिल गया और वे वहाँ चले गए क्योंकि वह हम दोनों के लिए
बहुत बड़ा ऑफर था और मैंने कहा था कि इस जगह पर मैं रिसर्च कर लूंगी अकेले। मैं रिसर्च तो काफी टाइम से कर रही हूँ राजन जी, पर अपनी रिसर्च के लिए मैं किसी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती। इसीलिए मेरी रिसर्च बहुत समय से अटकी हुई है। मेरी सोच के चलते ही मैंने यह पहचाना कि रात को अक्सर लोग गायब हो जाते हैं और यहाँ ज्यादातर लोग जो गायब होते हैं वह नौजवान होते हैं। बुजुर्ग लोगों पर यह हमले बहुत कम देखने को मिलते हैं। जो लोग भी गायब हुए हैं उनकी लाशें तक नहीं मिलती। जो कुछ लाशें मिली भी है तो उनमें शरीर में खून नहीं रहता, कई जगह से मांस गायब होता है। लाशों की स्थिति वह होती है कि आप उन्हें देख भी नहीं सकते। राजन माया की बात सुनकर राजन बहुत हैरान हुआ। उसे लगा कि माया ने उसे पहले यह सब क्यों नहीं बताया। माया जी, यदि ऐसी बात ही तो आपने मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया, राजन ने माया से पूछा। माया बोलती है, राजन जी मैं आप लोगों को बता सकती थी पर मैंने सोचा कि आप लोग यहाँ नए नए आए हैं और आप लोगों को इतनी जल्दी में यह सब कुछ बताना आप लोगों की जान को खतरे में लाना होगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को सतर्क किया कि आप लोग बाहर ना निकले और आप लोगों को इस विषय में कुछ नहीं बताया। राजन बोलता है, तो पीयू आपको लेकर मुझे क्यों टोक रही थी। माया बोलती है, पीयू कौन है। राजन बोलता है, वही पीयू जो हम लोगों के पड़ोस में रहती है और करीब 16-17 साल की है। अरे उसका दूसरा नाम क्या है, रुकिए मैं याद करके बताता हूँ। उसका दूसरा नाम अनामिका था। अनामिका नाम सुनते ही माया की आंखें बड़ी हो गई और वह हैरान हो गई और पूछने लगी, आप अनामिका से मिले हैं। आपको यकीन है मिस्टर राजन के आपको जो मिली थी वह अनामिका ही थी। राजन बोलता है, जी बिल्कुल यकीन है, अनामिका ही थी। उसने अपना नाम अनामिका ही बताया था और करीब 16-17 साल की उम्र की। आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं। माया बोलती है, वह इसलिए राजन जी, जो पहली लड़की इस मोहल्ले से गायब हुई थी वह और कोई नहीं अनामिका ही थी। और आपने जो नाम मुझे बताया पीहू, इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती थी। उसका पूरा नाम अनु था। जैसे कि आपने कई बार मुझे बताया कि आपकी पड़ोसी थी। जी हाँ, पड़ोस का घर है आपके, उसका उसी घर में अनामिका रहती थी। माया की यह बात सुनते ही राजन को झटका सा लगा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके मन में ख्याल आने लगे, तो मैं रोज एक आत्मा से मिलता था, मैं किससे मिलता था, वह कौन थी। माया बोलती है, मैं आपकी परेशानी को समझ सकती हूँ राजन जी, और आपको हैरानी होगी यह जानकर शायद उसका अगला शिकार आप हैं। इसीलिए वह आपसे रोज मिलती है और यह जो घाव आपको दिया है यह अनामिका ने दिया है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि उसने आपको मारा नहीं। राजन कहता है, पर घर तो माया जी आप आती थी ना। माया बोलती है, नहीं राजन जी, यह छलावा है। आपको बस यह लगता था कि मैं हूँ पर मैं नहीं होती थी, मैं अनामिका ही थी। राजन बोलता है, तो मेरे घर में इस वक्त कौन है। मुझे नहीं लगता कि वह मेरी पत्नी निधि है, तो क्या वह अनामिका है। माया जी, और जब अनामिका की छोटी उम्र में ही गायब हो गई थी तो वह इस तरीके की हरकतें किस तरह कर सकती है। माया बोलती है, राजन जी परालौकिक शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है। माया बोलती है, राजन जी आप अनामिका से मिले हैं, आपने उसको देखा है, आप मेरी मदद कर सकते हैं उसे पहचानने में कि वह किस प्रकार की शक्ति है, तभी उसे लड़ने में मुझे आसानी होगी। राजन अनामिका का हुलिया बताते हुए कहता है, उसकी आंखें बेहद खूबसूरत है, बहुत बड़ी बड़ी और एकदम काली अमावस्या की रात जैसी, और बहुत लंबे लंबे घने बाल हैं उसके, बेहद खूबसूरत और रेशमी। मासूम सी छोटी सी नाक है उसकी और बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट है।
छोटे छोटे दांत है और कुछ नुकीले दांत भी है। उम्र ही छोटी है वरना वह तो एकदम अप्सरा लगती है। राजन की बात सुनकर माया ने एक पुस्तक निकाली जिसमें पिशाचिनियों के बारे में लिखा हुआ था। माया पढ़ने लगती है। पिशाचिनी यह एक अलग प्रकार की योनि होती है। यह भूत प्रेत से अलग होती है और यह आत्मा भी नहीं होती। जिस प्रकार सकारात्मक पूजन हेतु भगवान का आवाहन किया जाता है उसी प्रकार नकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पिशाचिनी का आवाहन किया जाता है। पिशाचिनी को सिद्ध करना आसान नहीं होता। पिशाचिनी को सिद्ध करने में 1 महीना लगता है। पिशाचिनी को सिद्ध करने में कई लोग अपनी जान भी गवा देते हैं क्योंकि इस पूजन के दौरान मनुष्य को उठना मना होता है। उसे भोजन ग्रहण या मल मूत्र त्यागी सब उसी स्थल पर करना पड़ता है। शनि मंत्र को करीब 11,000 बार एक दिन में बोलना होता है। माया आगे पढ़ती है कि जिस दिन पिशाचिनी सिद्ध पूर्ण होती है उस दिन पिशाचिनी को एक बलि दी जाती है। पिशाचिनी की बलि के लिए कुंवारी कन्याओं को ही लिया जाता है। किसी भी कारणवश यदि बलि अधूरी या गलत हो जाती है तो उसके प्राण भयानक तरीके से जाते हैं। मनुष्य इस प्रकार की सिद्धि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करता है। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।